शिक्षा पदाधिकारी जी को बोलिए ना, वो तो आए और डीओ साहब बंद करके गाड़ी में बैठ करके चले गए। वो क्या चाहिए, आज भी उनको डिसमिस करने आए? जब उनको पता है कि कुछ नहीं जानते हैं तो उनको डिसमिस करने क्यों नहीं आए वो, हैं? क्यों नहीं आखिरकार आए बताइए। लेकिन हम सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहेंगे, हमको सैनिक स्कूल चाहिए। प्राइवेट स्कूल में आप लोग सहयोग कब तक देंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी जब तक रहेंगे जब तक वो सहयोग देंगे, उसके बाद जब वो उनका कुर्सी अगर छीन गई तो फिर कहाँ हम लोग जाएंगे बताइए। कितना भी मेरिट रहे, उस शिक्षक जो है ना उस पर बिना कड़ाई वाले कोई उपाय नहीं है। कड़ाई जब तक नहीं होगा वो आएगा, कितना पढ़ल रहेगा, कितना उसका डिग्री तेज का रहेगा, वो आराम से आकर के कुर्सी डटरी पे करेगा। कोई भी पढ़ाना चाहता है, सब चाहता है कि आराम से शिक्षा बर्बाद हो। शिक्षा पर कड़ाई चाहिए, और जो शिक्षक है उन सब पर कड़ाई चाहिए, और एक शिक्षक है उनको डिसमिस कर दिया जाए, क्योंकि अगर हमको तो रहेंगे तो हमको तो भविष्य बिगाड़ना करेंगे, दूसरी जगह जाएंगे तो भी भविष्य बिगाड़ेंगे। उन्हीं की बात हम बोल रहे हैं, उन्हीं की बात कि उन्हीं को निकाला जाए, क्योंकि हमको तो पसंद दीपक नहीं है, वो एक दीपक नहीं है, उनके जैसे जैसे लाखों दीपक अपने सरकारी स्कूल में शिक्षक बन के बैठे हैं और सोनू का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन हमको इनके बारे में भी पता है तो इनके बारे में हम बोले हैं, दूसरे के बारे में पता नहीं है तो हम किसे बोल सकते हैं। अभी हम ये बोल रहे हैं कि तो उस शिक्षक पर कोई कार्रवाई हो सकती है कि नहीं बताइए। और हम लोग कार्रवाई आखिरकार हो क्यों नहीं रही है, जिसे समय विलंब ना हो रहा है, रोज उधर जाए हैं? एक दिन का समय, जिसे समय भी एक समय ना होता है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का 5 मिनट का समय नहीं रहता, उस बगैर हम लोग का भी तो समय रहेगा तब ना। अभी 2 महीना बीत जाएगा उसी करते। उसको 2 महीना के बाद आप उसको सस्पेंड करिएगा, डिसमिस करिएगा, तो 2 महीना हम लोग का कहानी खत्म हो जाएगा। जिस तरह से सोनू तुम मेरिटोरियस हो, तुम में मेरिट है, वैसा ही मेरिट वाला शिक्षक चाहिए, तब ना तुम्हारा डेवलपमेंट होगा। देखिए सर, कितना भी मेरिट रहे, उस शिक्षक जो है ना उस पर बिना कड़ाई वाले कोई उपाय नहीं है। कड़ाई जब तक नहीं होगा वो आएगा, कितना पढ़ल रहेगा, कितना उसका डिग्री तेज का रहेगा, वो आराम से आकर के कुर्सी डटरी पे करेगा। कोई भी पढ़ाना चाहता है, सब चाहता है कि आराम से शिक्षा बर्बाद हो। मीडिया वाले भाई वहाँ पर गए हैं तो उनसे पूछेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर ये सब हमको बताया नहीं गया, अब वो सरों को नहीं आता बताइए। तो कम से कम पढ़ाना नहीं चाहते तो हमको तो कम से कम आप तो खुद तो लानिए ना भाई, जब आपको पता है कि न्यूज में आपका चर्चा चल रहा है तो कम से कम याद तो करके आते, तो कम से कम हम लोग को बता तो पाते ना, अभी उसे 2 दिन बैठा रहता है। लेकिन हम सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहेंगे, हमको सैनिक स्कूल चाहिए। प्राइवेट स्कूल में आप लोग सहयोग कब तक देंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी जब तक रहेंगे जब तक वो सहयोग देंगे, उसके बाद जब वो उनका कुर्सी अगर छीन गई तो फिर कहाँ हम लोग जाएंगे बताइए। माननीय मुख्यमंत्री सहयोग थोड़ी ना देंगे बेटा, सुनो, हम लोग सब बिहार के जनता सहयोग देंगे, आप पढ़ना चाहोगे सब हमको पटना के सब टीचर देंगे। हम बोले ना, हमको केंद्र विद्यालय में जाना है, वो भी जो कि सैनिक हम जानते हैं कि उनमें उसमें अच्छा है, एक चीज का बहुत ही अच्छा उसमें पढ़ाई होता है, इसलिए हम उसमें जाना चाहते हैं। और हमको कुछ नहीं बोलना है, बस सरकार वाला में नहीं, आपके गांव में जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें क्या गड़बड़ी है? उसमें 2 महीना आप समझा कर जाइएगा, फिर वही बात आएगा, कोई नहीं सुधरने वाला है, हमको पता है सुधरेगा, फिर वही बात क्या आएगा, तो फायदा क्या है उससे, है फायदा कुछ है? इससे बढ़िया उसे रहने दीजिए, और उसी रहने दीजिए, फिर देश गुलाम होगा। बताओ सोनू, एक बात बताओ बेटा, अगर तुम प्राइवेट स्कूल में चले जाओगे तो तुम्हारे जैसा जैसे लाखों सोनू इस बिहार में है, उनको कहाँ से मिलेगा अच्छा शिक्षा? क्या उसके लिए हम संघर्ष नहीं करते? तो उनके लिए हम संघर्ष करना चाहते हैं, तो हमको पर ही आरोप लगाते हैं कि तुम पढ़ने नहीं आता है, तो संघ आरोपो लगाते हैं, फिर कहते हैं उनको खुद तो आता नहीं है, आरोप भी लगाते हैं, बताइए सब काम मैंने वे करते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल बेटा, तो तुम उसको लाखों सोनू के लिए संघर्ष नहीं करोगे, सरकारी विद्यालय को नहीं सुधरवाओगे, वहाँ अच्छा व्यवस्था तो उसने जिला शिक्षा पदाधिकारी जी को बोलिए ना, वो तो आए और डीओ साहब बंद करके गाड़ी में बैठ करके चले गए। वो क्या चाहिए, आज भी उनको डिसमिस करने आए? जब उनको पता है कि कुछ नहीं जानते हैं तो उनको डिसमिस करने क्यों नहीं आए वो, हैं? क्यों नहीं आखिरकार आए बताइए, जवाब चाहिए हमको। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा जवाब तुमको, भर्ती करने वाला जो पैसा लेकर के भर्ती कर दिया वो दोषी है कि नहीं, बताओ क्या दोषी है? दोषी है कि नहीं?
जो पैसा लेकर के उसको भर्ती कर दिया गलत टीचर को, जो सोनू को पढ़ा नहीं पा रहा, क्या उसकी गलती नहीं है? उसकी भी गलती है, लेकिन उससे ही ना पूछेंगे पहले, उसको खत्म करिए, उसके बाद उसके तक ना पहुँचेंगे। पहले बंदर दर पहुँचिए, उसके बाद वो आपको फल देगा, समझे?